तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और यह क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लास 12 का दिगंत भाग 2 जो है उसका काव्य खंड का 11 लेसन है। 11 लेसन बड़ी शानदार है, इसमें कुछ रोचक बातें नहीं है, बस लोहा के बारे में जिक्र किया गया है। लोहा लेसन में बस यही शुक्ला जी बता रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल, सुन रहे हो ना विनोद, वही वाला विनोद, शुक्ला जी सिर्फ बता रहे हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है। अपनी बिटिया से पूछें, बिटिया एक काम करो, तुम पहले पता करो तो कि लोहा किस किस चीज़ों में होता है। वो सोच रही है कि पापा लोहा पेन के नीड में भी होता है, लोहा कढ़ाई में भी होता है, लोहे की कढ़ाई होती है, कलछुल वगैरह लोहे का होता है, हर चीज़ उसको पूरा का पूरा एक डेटा बनाने के लिए बोला जाता है। इस लेसन में विनोद कुमार शुक्ल यही लिखे हैं, और इस लेसन का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, शुक्ला जी। और यहाँ शुक्ला जी एक बच्चे के बारे में लिख रहे, प्यारे नन्हे बेटे को जब कंधे पर उठाते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होगा, कविता शुरू होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लें, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी को हुआ था 1937 में, याद है कब हुआ था, 1937 में, और ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़। वैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जब टूटा ना तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। कमेंट में अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि कब ये अलग हुआ था। यहाँ देखिए, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, और यहाँ पे देखिए राजनांद गांव में हुआ था। जन्म कहाँ पे, गांव में, राजनांद गांव। और ये निवासी कहाँ के थे, तो निवासी अलग जगह थे लेकिन रहता था, तो जन्म अलग जगह हुआ था। निवासी थे रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वहाँ के ये निवासी थे। वृत्तीय के बारे में बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त की, क्या क्या हुए हैं, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे, ये शुक्ला जी जो है ना, सुन रहे हो ना विनोद, वही वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर के पद पे थे। और निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेके जून 1996 तक लगभग बात करें तो 2 साल तक अतिथि साहित्यकार रहे हैं। कहाँ पे, निराला सृजन पीठ में ये अतिथि साहित्यकार रहे 1994 से लेकर 1996 तक, यानी 37 में जन्म हुआ, 1994 से 1996 तो निराला साहित्य सॉरी अतिथि साहित्यकार रहे हैं। अब इनको प्राइज भी मिला है भाई, महान कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। इन्होंने एक और कहानी 10th में लिखा था, वो भी अगर याद होगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा। अब कहिएगा सर मेरे का जरूरत है, हम काहे कमेंट करें 12th में, बाबू 12th के बाद जॉब का भी तैयारी तो करना है, तो पूछ देता है कभी कभी विनोद कुमार इनमें से कौन सी विनोद कुमार की रचना नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनको सम्मान दिया गया है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में। अभी इससे पहले वाले लेसन में हम आपको रघुवीर के बारे में बताए थे, वो महान कवि थे, और जो भी महान कवि होते हैं ना तो उन्हीं के नाम पर पुरस्कार का भी नाम रख दिया जाता है। तो यानी विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला है, कब मिला है, 92 में। और यहाँ देखिए दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान भी 97 में मिला है। अब याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ देखिएगा वीर लोगों को भी बड़ी जल्दी दया आ जाता है किसी पर, जो बहादुर और वीर लोग होते हैं, तो वीर को आ गई दया, वीर को आ गई दया, याद रखिएगा वीर को आ गई दया। तो रघुवीर सहाय पुरस्कार और उसके बाद से दयावती पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार इनको समान मिला गया है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ये तो मिलवे करेगा। इनके रचनाएं क्या क्या थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रचना ये है, ये आपको याद रखना है। देखिए पहला कविता जो संग्रह है वो लगभग जय हिंद, नाम है कविता का लगभग जय हिंद, अपना देश आजाद है, हाँ जी लगभग आजाद है, लगभग जय हिंद। तो लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ 1971 में, कब हुआ था 1971 में, 1971 में ही बांग्लादेश के बारे में आप लोग कुछ जानते ही होंगे, छोड़िए रहने दीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 1971 के ठीक 10 साल बाद एक बहुत ही जबरदस्त तरीका से कविता लिखे हैं, समझिएगा। वह आदमी, एक कहानी समझ लीजिए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, विचार यानी सोच की तरह एक चला गया। इसी पाठ से, इसी लेसन से ये प्यारे नन्हे बेटे को लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में लिखे हैं, और अतिरिक्त नहीं 2001 में लिखे हैं, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा ये उपन्यास, उपन्यास कौन कौन लिखे हैं, तो नौकर की कमीज लिखे हैं, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की थी, खिड़की रहती थी, उसके बाद से, और यहाँ देखिएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका लेखक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ये क्या है, कहानी है, उपन्यास है, तो ये उपन्यास है, कहानी देखते हैं। कहानी जो है पेड़ पर कमरा एक कहानी है, महाविद्यालय एक कहानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इस कहानी पर तो फिल्म ही बन गया है, जो उपन्यास था एक नौकर की कमीज, ये रट लीजिए,
विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है नौकर की कमीज। इतना अच्छा लगा नौकर की कमीज उपन्यास कि इस पर एक फिल्म बन गया, नौकर की कमीज एक फिल्म बन गया, जिनको किसने बनाया था, मणिकौल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, मणिकौल द्वारा ये फिल्म बनाया गया था। अब ये जो लिखे हैं कविता, जिस कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, यही ना नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, ये विनोद जी लिखे हैं, ठीक है। और इन्होंने कोई भी कविता का अर्थ लिखने से पहले आपको भले ही हल्का लगेगा, जाने दीजिए सर हम डायरेक्ट अर्थ लिख देंगे, एको नंबर तो मिलेगा, बाबू एक भी नंबर नहीं देगा, ये दिमाग में रख लीजिए। एक जानवर बड़ी खड़ूस होगा, अगर बुढ़वा कोनो मिल गया ना, अगर बुढ़ौती वाला कोनो मिल गया ना, तो समझो कि आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, पहले कविता लिखने से पहले सोचिए कि कविता किस किताब से लिया गया है या किस पाठ से लिया गया। सपोज मान लीजिए कि प्यारे नन्हे बेटे में कोई लाइन दे दिया, बोले कि इसका अर्थ लिखे, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए क्या लिखिएगा, कि ये जो कविता है ये कहाँ से प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत माने कहाँ से दिया गया। तो प्रस्तुत जो कविता है वो विनोद कुमार शुक्ल का है, ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को, इससे लिया गया है, जिसमें और उसके बाद से अर्थ लिखना है। सब में यही करना है, प्रस्तुत पंक्ति लिखना है, लेखक का नाम और कविता का नाम जरूर लिखिएगा, तब जाके आपका फुल मार्क्स मिलेगा, अर्थ का मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है। अब हम लोग अर्थ को समझते हैं, तो लेसन को शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार लगेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा बाबू। देखिए समझते चलेगा, इस कविता में कुछ है ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट अर्थ है। यहाँ देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने लेखक अपने बेटे को कंधे पर बैठा रहे हैं, और उनका बेटा कह रहा है कि हम तो दादाजी से भी बड़े हो गए, ठीक है। कंधा पर बैठाएगा तो बच्चा कहेगा कि हम तो आपसे भी बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर अपनी बिटिया को क्या कह रहे हैं, समझिएगा, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, क्या पूछूंगा, बताओ आसपास कहाँ कहाँ है लोहा, प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि तुम्हारे आसपास लोहा कहाँ है, जाओ खोज करके आओ, तो बताओ कि तुम जिधर भी नजर घुमाती हो कहाँ कहाँ लोहा दिखता है, ठीक है। अब वो बेचारी परेशान होकर छोटा छोटा चीजें ढूंढने लगती है, दौड़ के जाती है घर में और देखती है, पापा जी अब सुनिए लोहा कहाँ कहाँ है, चिमटा में है, करछुल में है, सिगड़ी में है, सिगड़ी माने जंजीर, जो आप पुराने जमाने में देखे होंगे ना, चाहे आजकल के भी जमाने में अभी भी जंजीर लोहे का जो जंजीर लगाया जाता है वो भी है, चाहे लोहे की खिड़की वहाँ भी लोहा है, ठीक है। यहाँ पे समसी मतलब सणसी जो दाबने वाला होता है, सणसी में दरवाजे के साकल में कब्जा जो लगाया जाता है, अंदर से हम लोग लॉक करते हैं ना, कब्जा में है, खिला दरवाजे में धसा हुआ है, और वो बोलेगी झटपट पूरा का पूरा बताती है कि कहाँ कहाँ है, तो करछू लेक लोहे की कढ़ाई यही सब लगती है पूरा डेटा बताने के लिए। फिर रुक करके सोचती है कि अब देखो अब बची है, तो रुक करके सोचेगी कि इतना तो बता दी, अब कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो अब देखो रुक करके फिर क्या सोचती है, करवा फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, एक तार लोहे का लंबा, अब जानते हो क्या, दू गए से खंभा था और उसी के ऊपर एक लंबा तार था, और उस पर क्या था, यहाँ देखो, ठीक है, तना बंधा हुआ बाहर और सुख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी, और बीच में समझते ना रेंगनी बोला जाता है उसको, ऐसे मान लीजिए कि दो खंभा हो गया, ऐसे बीच में तार बांध गया और भैया की चड्डी उसी पर सुख रही थी, ठीक है। फिर वो भी तो लोहा है, चड्डी नहीं, वो जो इस पर बांधा गया है वो, ठीक है। फिर एक सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन होता है वो भी एक लोहा है, साइकिल पूरी की पूरी साइकिल लोहा है, अब इसको धीरे धीरे याद आ रहा है, पूरी साइकिल ही लोहा है यार, इतना बड़ा लोहा का एक डिमांड छोड़ दिए हम लोग, एक लोहा का बना हुआ सामान छोड़ दिए हम। यहाँ देखिए, आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, फिर वह आसपास ध्यान पक्का करेगी, जब आप पूछिएगा तो ध्यान करेगी और कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है। अब देखिए आगे लोहा कहाँ कहाँ बताती है बेचारी, ठीक है। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, अब बेचारी लड़की दुबली पतली है लेकिन हरकत में तेजी की लगी ढूंढने के लिए, वैसे लड़की अधिकतर दुबली पतली होती हैं, पता है क्यों, वो ज़्यादा खाना नहीं खाती है कि मोटे हो जाएंगे, ठीक है, भूख तो लगता ही है, मोटे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेंगे, बस ऐसे ही जोक के लिए। यहाँ देखिए कितनी जल्दी जान जाए वो, एकदम इधर उधर नज़र दौड़ाने लगती है, पतली सी तो है एकदम नज़र, कि कितनी जल्दी जान जाए कि और कहाँ कहाँ लोहा भाई है और किसमें किसमें लोहा होता है, जान के पापा जी को जल्दी बता दें, है ना, अब्बू को जल्दी बता देना है। अब देखो आसपास कहाँ कहाँ लोहा, मैं याद दिलाऊंगा, मैं सिखलाऊंगा बिटिया को, ठीक है। अब ये लेखक बिटिया को सिखलाएंगे, फावड़ा समझते हैं, बालू वगैरह उठाने वाला जो होता है वही है, फावड़ा है, कुदाली है, ये भी है, टांगियाँ है, ठीक है, वसूली है, खुरपी है, ये सब तो लोहे का ही होता है, पास खड़ी बैलगाड़ी के
चक्के का फट्टा, चक्के का जो बीच वाला पार्ट होता है वो भी तो क्या लोहे का होता है। यहाँ पे लिखा है कि कांसे की घंटी के अंदर लोहे का गोला, एक कांसे की घंटी होता है, चाहे चलिए पीतल का ही ले लीजिए, उसका अंदर का बजाने वाला जो होता है ना वो लोहा का हो सकता है, ठीक है। फिर इनकी पत्नी याद दिलाती है कि बिटिया इधर आओ, अब बता रहे हैं कहाँ कहाँ लोहा है, आ जाओ मेरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब देखो पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी, लोहे की घिरनी, जो लोहे की घिरनी होती है ना वो भी लोहा का होता है, छत्ते की काड़ी डंडी यानी छत्ते का जो काला सा डंडा होता है ना वो भी लोहे का है, और क्या पे घमेला, और यहाँ पे देखिए हंसिया यानी हंसुआ भी होता है, चाकू भी लोहे का होता है। अब प्लास्टिक का चाकू तो होता ही है लेकिन कटता थोड़े ना कुछ। और देखिए बिलाई बिलाड़ी, जगह जगह लोहे के टीले हैं, हर जगह लोहे के टीले हैं, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, आप जिधर दौड़ाए यानी हमारा जीवन से लेके मरण तक हम लोहे को देख सकते हैं, यहाँ समझे। इसी तरह घर भर मिल करके धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सबके दिमाग में आ गया कि आई भाई ये कैसा क्वेश्चन है, लोहा कहाँ कहाँ है, जल्दी थोड़ा सा बिटिया को बता दें, पूरे घर मिलके ढूंढ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनतकश है वो लोहा है। अब कभी को ऐसा महसूस होता है कि क्या सही में, जो दिख रहा है वही लोहा है, हम तो इसको नहीं मानते हैं, तो लोहा किसको मानते हैं। कभी कहते हैं कि हर वह इंसान जो काफ़ी मेहनत करके पसीना बहा करके और फिर अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन चलाता है, वो व्यक्ति लोहा है, उसका शरीर लोहे के समान है। हर वो औरत, इसके आगे वाले लाइन में लगा, हर वो औरत जो घर में डांट सुनती है, फटकार सुनती है, फिर भी सभी कामों को करती है, वो औरत लोहे के समान है, ठीक है। यहाँ देखिए वही हर वो मेहनतकश व्यक्ति लोहा है। हर वो औरत दबी सताई, हर वो जिसको सताया जाता है, दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है हर चीज़ों के लिए। आप वैसे भी देखें अपने समाज में आज भी, हम आज का बात बता रहे हैं, हम अपने आंखों देखा आज भी लड़कियों को लोग पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, ये मतलब हमेशा आप देख सकते हैं। और हाँ, घर में आज भी बहुओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन आज धीरे धीरे वो सुधार हो गया है, ठीक है, अब तो बहू ही सास को परेशान करना शुरू कर दे रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली, जो अपने परिवार का बोझ उठाती है वह लोहा है। जरूरी नहीं कि जो दिखने वाला है धातु वही लोहा है, अगर आप मेहनत कश मजदूर हैं, मेहनत करके अपने परिवार का जीवन चलाते हैं, तो आप भी एक लोहे के समान हैं। अगर कोई औरत मेहनत करके हर डांट फटकार सुन करके अपने परिवार का देख रेख करती है, वो औरत लोहे के समान है, ठीक है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, यहाँ पे लड़की का तो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली, वो सब क्या है, लोहा है, ठीक है। और कभी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बिटिया कब बड़ी हो जाए और उसका हाथ पीला कर दें, ठीक है, यही चीज़ इसमें कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप बताइए इनमें किन दो व्यक्तियों या औरतों का जिक्र किया गया है, ऐसे मात्र दो टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया कि हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो तो लोहा है ही, लेकिन वो व्यक्ति भी लोहा है जो मेहनत करता है, उसका शरीर लोहे के समान है। वो औरत लोहा है जो डांट सहती है, लोहे की तरह एकदम कठोर बन के रहेगी, सुनते रहेगी, दबी कुचली लोग मारते हैं पीटते हैं, लेकिन फिर भी सब सहती है, अपने घर में रहती है और अपने परिवार का हेल्प करती है, वो औरत एक लोहे के समान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार लाइक के बटन को दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में आपको जाता क्या है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।